हे गाइस व्हाट्स अप दोस्तों, आजकल हम स्मार्टफोन सारे यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं और सबको मतलब कोई ना कोई साइट या कोई ना कोई एप्लीकेशन वगैरह ये विजिट करनी होती है, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होती है। लेकिन इन सब में हमारा जो एक्सपीरियंस है वो तब ख़राब हो जाता है जब हमें एक चीज़ देखने को मिलती है और जिसका नाम है एड्स। जी हाँ, जब हम एड्स देखते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस जो है वो कोई किसी साइट पे जाने का या कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का एड्स से ख़राब हो जाता है। जी हाँ, बीच में ऐड आ जाती है, हम मान लो कोई गेम प्ले कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन में जो गेम एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल की है और मान लो बीच में ऐड आ जाती है तो फिर हो जाती गड़बड़, गेम का जो एक्सपीरियंस है वो सारा ख़राब। तो ऐसी मैंने देखी है कई बार, और काफ़ी साइट्स भी हैं जहाँ पर एड्स वगैरह लगी रहती है क्योंकि वो एड्स से ही पैसे कमाते हैं तो इसलिए वो एड्स वगैरह लग जाती हैं। लेकिन उनको ब्लॉक कैसे करें, यानी अगर आप उन साइट्स पर जाएं तो आपको जो है वो एड्स नहीं देखने को मिलनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम वहाँ से कुछ चीज़ें डाउनलोड करते हैं तो गलत लिंक पर क्लिक हो जाता है जिससे कि ऐड जो है वो दूसरी साइट पर रीडायरेक्ट कर देती है, तो वो दिक्कत होती है। तो वो सब हमारे साथ प्रॉब्लम ना हो तो उसका सोल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और उसका सोल्यूशन जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए और सभी के लिए जो कि नहीं जानते कि कैसे इन एड्स को ब्लॉक किया जाए। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के मैं वो आपको ट्रिक बता देता हूँ और चलते हैं मेरे स्मार्टफोन की स्क्रीन पर। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये है मेरे स्मार्टफोन की स्क्रीन और ये ट्रिक बड़ी सिंपल सी है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आपको जाना है अपने फ़ोन की सेटिंग्स में। जी हाँ, अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर आपको जो है वो सेटिंग्स में सर्च करना है DNS। जी हाँ, DNS सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं प्राइवेट DNS जो आ गया, इस पर आप क्लिक करिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं DNS के तीन ऑप्शन इसमें देखने को मिलते हैं। कस्टम DNS हम डाल सकते हैं और कस्टम DNS में मॉडिफाई करने के बाद उसमें हमें लिखना है dns.edgard.com। जी हाँ, इस पे लिखने के बाद यहाँ पर उसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्टेड का ऑप्शन लिखा आ रहा है। जी हाँ, इसको कनेक्टेड होने के बाद अगर आप किसी साइट पर, मतलब इसको थोड़ी देर रहने दीजिए, उसके बाद 5 मिनट के बाद अगर आप ट्राई करेंगे तो जो आपकी साइट है उसमें जो है वो ऐड वगैरह सब ब्लॉक हो जाएंगी। अगर आपको देखना है तो आप, मैं देखता हूँ एक बार, आपको साइट विजिट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर मैं अपने क्रोम टैब पर जाता हूँ, यानी क्रोम पर जाता हूँ ब्राउज़र पर, तो उसमें मैं सर्च करता हूँ फ्री जॉब अलर्ट। एक फ्री जॉब अलर्ट जो साइट है, जो बहुत ही फेमस साइट है, इस पर जो है वो छोटी मोटी एड्स देखने को मिल जाती हैं और मैं देखता हूँ खोल के, तो इस पर आप देख सकते हैं इस पर एक भी ऐड हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो जो तरीका मैंने लगाया है वो सक्सेसफुल रहा और आप भी ये तरीका आजमा कर देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और आपको भी जो अपने साइट विजिट करने का जो एक्सपीरियंस है उसको ठीक करना है, बिल्कुल क्लीन करना है, ऐड फ्री करना है, तो आप इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात और बता दूँ, मान लो कि हम कई बार जो है वो मॉडिड एप्लीकेशन यानी मॉडिफाइड एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करते हैं, तो जो हमें जिस साइट पर जाना होता है मॉडिड एप्लीकेशन के लिए, उस पर एड्स बहुत ज़्यादा होती हैं और वहाँ पर अगर हम इस तरीके को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जो ऐड ब्लॉक होने की वजह से वो साइट नहीं विजिट हो पाती, तो उसके हमें क्या करना है, वो जो प्राइवेट DNS है उसको ऑन करना पड़ेगा और फिर जो है वो साइट पर जाना पड़ेगा। वैसे मॉडिड एप्लीकेशन यूज तो नहीं करनी चाहिए, बट अगर आपको डाउनलोड करनी है पर्सनली, देखो सभी करते हैं, मैं भी कर लेता हूं कभी कभी जो मेरे को यूज करनी होती है, बट मैं सेफली यूज करता हूं, ऐसा कोई फालतू एप्लीकेशन नहीं करता। तो उसको करने के लिए आपको जो है वो DNS सेटिंग्स को फिर से चेंज करना होगा, अपना प्राइवेट DNS जो ऑटोमेटिक करना होगा ताकि वो साइट भी सर्व आप कर पाओ, तो उसके बाद आप उसको भी सर्व कर पाएंगे। बस इतनी दिक्कत ही जो है वो आपको आ सकती है, बस आपको जो DNS सेटिंग है उसमें जाकर आपको मॉडिफाइड या कस्टम में जो है वो चेंज करना होता है, ऑटोमेटिक या कस्टम में, तो उसके बाद आप जो है वो अपने साइट सर्व करने का एक्सपीरियंस अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए और ऐसी वीडियोस आगे पाने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नोटिफिकेशन पाने के लिए ज़रूर बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, उसके बिना नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली बार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक केयर।